इट स्टार्ट्स द राइड टू चिटकुल. तो अगर आप आए तो यहाँ पक्का होल्ड करें राजेश भाई के कैफे में. वेरी नाइस मैन. हमें तकरीबन यहाँ से 40 मिनट और लगेंगे पहुँचने के लिए और वहाँ से एक घंटा वापस. लेट हो गया थोड़ा, एक बज गया है. चितकुल 10 किलोमीटर. तो GoPro की एक बैटरी एग्जॉस्टेड, लेफ्ट विद टू बैटरीज. मेरे पास तीन बैटरीज हैं टोटल GoPro की. एक बैटरी का बैकअप एक घंटे से लेकर के दो घंटे. अब वो एक घंटे का फर्क डिपेंड आप किस रेजोल्यूशन में अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं. 4K वीडियोस में प्रॉब्लम है GoPro में, गर्म बहुत जल्दी हो जाता है. इतना गर्म कि आप इसके लेंस के ऊपर हाथ भी नहीं पाते. तो मैंने इसकी रेजोल्यूशन 3K में रखी हुई अभी, जिससे कि मुझे तकरीबन दो घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम मिल जाता है. Somebody's calling. Hello. खबर ये है यही BSNL जो कनेक्शन है वो वेरीफाई हो चुका है. छोटा फोन अभी काम आएगा हमारे. सिग्नल पूरा है यहाँ पे BSNL का. नंबर की डेली वेरिफिकेशन अभी हम जब जा रहे हैं चितकुल से आगे चाइना बॉर्डर है, पर चाइना आता है तार में. तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है तो वो चाइना का ही पार्ट. चाइना ने उसको 52 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था. तो वी आर बेसिकली गोइंग टू द बॉर्डर ऑफ तार, नॉट चाइना एक्चुअली. अगर चाइना उसका ऑक्यूपेशन छोड़ देता है तो हम जाएंगे बॉर्डर ऑफ तिब्बत. तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंची कंट्री है, हाईएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत. तिब्बत के जो स्पिरिचुअल गुरु है जिन्होंने बोला कि मैं आखिरी हूँ, वो है दलाई लामा. दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं जहाँ पे मैं भी रहता हूँ. मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि मैं उनके साथ दलाई लामा जी के साथ में एक ही फ्लाइट में ट्रेवल भी किया था, दिल्ली टू धर्मशाला की फ्लाइट में. तो वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी. व्हेनेवर यू स्पीक टू हिम यू हैव टू रेफर हिम एज हिज होलीनेस. आप ऐसा नहीं बोल सकते और दलाई लामा जी क्या हाल चाल है आपके. दलाई लामा ही हैज जस्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट ही इज द लास्ट दलाई लामा एंड लिव टिल द एज ऑफ 110. एंड चाइना जो दलाई लामा बनाएगा प्लीज डोंट एक्सेप्ट हिम एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ बुद्धिज्म. ब्रदरहुड बिलोंग टू द ब्रदरहुड. आपने जस्ट देखा अभी कि मैं जस्ट पास करा था और एक जो बाइक के भाई हमारे खड़े हुए उन्होंने हमको विश किया अपनी मुंडी लाके, तो अच्छा फील करता है. एंड वंस अगेन अ वेरी फाइन रोड जिसमें गाड़ी चलाने का अपना ही मजा. वाह दिस ड्राइव, आई टेल यू मैन द मोस्ट फैबुलस ड्राइव. वेली ब्रिज दिस, ये जनरली जितने भी ये क्या बोलते हैं ब्लॉक्स के साथ जोड़ के जो ब्रिजेस बनते हैं उनको हम बेलीज ब्रिज बोलते हैं. ये ट्रेवल करना थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है कई बार. जस्ट खतरनाक स्लिप एंड सेव्ड माय सोल. ये तो पक्का आएगा फ्लॉग में, खतरनाक वाला ब्रेक. इसलिए ज्यादा स्पीड यहाँ पे बनानी नहीं है आपको, बहुत ही लिमिटेड स्पीड रखनी है. यहाँ पे रेत बहुत है, रेत में टायर बहुत खतरनाक स्किड करते हैं, इसलिए मजा तो आ गया. हाँ आराम से चलाओ गाड़ी, कुछ मतलब स्लिप किया है मैंने. अगर कोई सामने से बाइकर आ रहे होते तो गारंटेड दे वुड हैव कम डाउन फ्रॉम द बाइक एंड हेल्प मी. ये इनोवा वाला ड्राइवर ने ऐसे घूर के देखा मेरे को, जैसे मैंने तो मतलब इसका मर्डर ही कर दिया. क्या मस्त गजब एडवेंचरस रोड ड्राइव है ये. बस पिछवाड़ा साथ दे तो मैं कंटिन्यूस बिना सोए रोड्स पर ड्राइव कर सकता हूँ. तो पधारो कभी हमारे देश भी, हिमाचल आओ और हिमाचल में आके ये सब देखो. यूट्यूब का वीडियो को बंद करो, आंखों से देखो और अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और जिंदगी जीने का नाम है.
ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट। अभी जो मोड़ों में रेत होती है दिस इज अ वेरी डाइसी थिंग बिकॉज यहाँ पे मोड़ों में स्लिप होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि मोड़ों में जब आप टर्निंग्स लेते हो इन ऐसी रेतीली मोड़ों पे, तो एक तो वहाँ पे अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखें और दूसरा गियर थोड़ा हैवी रखें, फर्स्ट या सेकेंड गियर, क्योंकि अगर आपकी खुद की ब्रेक ना लग पाए तो अपना जो इंजन होता है वो खुद ही उसकी अपनी हैवी गियर में ब्रेक्स होती है। अब यहाँ पे 11,000 फीट में आई थिंक आपकी बाइक की माइलेज भी थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड है, इंजन कम ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा पेट्रोल अंदर लेगा और इनकम्प्लीट कंबशन करेगा बिकॉज ऑफ लेसर ऑक्सीजन, तो इस ऑल्टीट्यूड में धुआं भी गाड़ी ज़्यादा छोड़ती है और माइलेज भी कम होती है बिकॉज फ्यूल पूरा जलता ही नहीं है। तो दिस इज चितकुल, आपका हार्दिक स्वागत है। सामने अगर आप देख रहे हैं तो तकरीबन 20 किलोमीटर आगे यहाँ से तिब्बत बॉर्डर पड़ता है और ये जो देख रहे हैं इस पहाड़ के अंदर उस साइड जाके तिब्बत बॉर्डर पड़ता है। आगे ITBP की डिप्लॉयमेंट है, 300 मीटर आगे एक चेक पोस्ट है जिसके आगे ITBP जाने देती है। जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शायद सभी को अलाउ कर देते हैं 20 किलोमीटर आगे जाने के लिए, वो भी सिर्फ साल में 2 दिन के लिए, बाकी सिर्फ चितकुल के लोग ही जो बिकॉज मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, तो उनको घास चराने के लिए यहाँ से परमिशन मिल रहा है। सिर्फ चितकुल के लोग, सांगला के लोग भी आगे नहीं जा सकते हैं। ऑल्टीट्यूड चेक 11940 मीटर, सॉरी फीट 500 फीट। आपका कहना है यहाँ पे सर्दियों में नवंबर से लेकर के अप्रैल तक चितकुल का रोड बंद हो जाता है क्योंकि बहुत एवलांच प्रोन रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं और 20-30 फुट तक यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। तो ये है चितकुल। सांगला चितकुल छोटा सा कस्बा जिसमें ज़्यादा टूरिस्ट हट्स हैं और कम घर हैं। पूरा मैंने चेकअप करा रखा है बाइक का निकलने से पहले और इसमें मैंने कुछ एडवांस भी लगा रखे हैं इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी एंड एमरजेंसी, मतलब कुछ पेयर्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें कर दिए हैं। ये एक देख रहे हैं आप, दिस इज एक्सीलेटर वायर, यहाँ पे एक छोटी सी ये है क्लच वायर, मैंने इनको चेंज करना भी सीख लिया है। फ्यूजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी गाड़ी में हमेशा 2 फ्यूज स्पेयर में रहते हैं, उनके अलावा भी आपको फ्यूज की जरूरत पड़ सकती है, तो फ्यूजेज मैंने 2 30 एम्पीयर के फ्यूज और 2 20 एम्पीयर के फ्यूज साथ में रख लिए हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव हम कर रहे हैं और बाइक चला रहे हैं। लाल मेरी पत्ती रखियो बला चुने लाल ने जिंदगी दा सेवन दास तीशा बस कलंदर दमा दम मस्त कलंदर। थैंक्स टू सिनेस 3 जिसने मेरे को पूरे ट्रिप में एंटरटेन करने का जिम्मा उठा रखा है। आई एम अ फैन ऑफ कोक स्टूडियो। ये पूरा रेंज पहाड़ों का, हिमालयाज, अ हिमालयन ऑन अ हिमालयन राइडिंग थ्रू द हिमालयाज। अभी हम आ रहे हैं रक्षम। रक्षम सांगला और चितकुल के बीच में एक छोटा सा कस्बा बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी रहने के ऑप्शंस मिल जाएंगे रक्षम में, यहाँ पे भी काफ़ी होमस्टेज हैं, ये होटल्स वगैरह हैं। बताया हुआ रूट जिसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे। एक और कैंप, मतलब इस रोड में आपको काफ़ी कैंप्स मिल जाएंगे, एस्केप कैंप, एडवेंचर कैफेटेरिया। वाह मज़ेदार नज़ारा। तो ये है पाइन ट्री छोटा सा जिसकी मैं लीव्स की बात कर रहा था, तो ये पूरा एक इसका ब्रांच है जिसमें लीव्स हैं, ये इसका एक लीव है और ये इसके एक मतलब एक ब्रांच ही समझ लो इसको, और ये इसके सारे पत्ते हैं। दीज आर लीव्स ऑफ पाइन ट्री। ऐसी लीव देखी कभी आपने? मस्त लीव, और ये बहुत ही पहना होता है, बहुत शार्प, इससे बॉडी में खुजली भी कर सकते हैं ऐसे करके। आ हा हा हा, मसाज का अलग ही मजा है इसका। अ फ्लावर, अ मसाजर और सुई, किसी को चुबा भी सकते हैं। चलो लेट्स गो अहेड।
टेक आउट टाइम और एक्सप्लोर, एंड एक्सप्लोरेशन का अपना ही अलग मजा है। तो हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह में, बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड जगह होगी, बहुत ही कम लोग यहाँ पे आए हैं। काम एटमोसफेयर नदी की मध्यम मध्यम सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, एक गलत काम मैं करूँगा, इंजूरियस टू हेल्थ, क्विट स्मोकिंग। एक और चीज़ जो आपकी जिम में हमेशा होनी चाहिए, वह छोटी सी एक नाइफ, बहुत काम आती है। हमेशा जब भी मैं ऐसे बाइक ट्रिप से निकलता हूँ तो जिम में ये नाइफ हमेशा रखता हूँ। मज़ेदार, मैं दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ का। ये आपकी चिटकुल वैली, बेसिकली सांगला वैली, चिटकुल का विलेज का नाम होगी। माउंटेन रेंजेस किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू आ रहा है। और ये मेरी धन्नो, धन्नो आई लव यू। तो धन्नो अभी तक मेरा बहुत बढ़िया साथ दिया है। ये सूरज यहाँ पे, बादल भी एकदम खतरनाक दे रहे हैं यहाँ पे। ओह हो, गजब।